فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرين الكرام، ابھی جو حدیث شریف پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار کیا: ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ لوقتہا، اعمال میں سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے. قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ محبوب عمل ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے: قلت ثم ای، اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے اعمال میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے رہنا، جہاد کرتے رہنا، یہ مجھے بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کیے گئے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے. نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نماز جو ہم پنج وقتہ پڑھتے ہیں، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر بطور تحفہ اللہ نے یہ نماز امت محمدیہ کو عطا فرمائی. اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے،
इसके वजूब का हुक्म इसी दुनिया में नाजिल हुआ, रोजे की फर्जियत का हुक्म इसी दुनिया में नाजिल हुआ, हज की फर्जियत का हुक्म भी इसी दुनिया में नाजिल हुआ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जैसी अज़ीम शान इबादत अता करने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाया, वहाँ राज़ो नियाज़ की बातें हुई, वापसी पर जो तीन तोहफे अता फरमाए उनमें से एक तोहफा नमाज का तोहफा है। बहुत ही अहम और अज़ीम शान इबादत है। पुराने मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सराहत के साथ तकरीबन 100 मकामात पर नमाज का जिक्र फरमाया और इशारतन और किनायतन 700 के करीब नमाज का जिक्र मौजूद है। नमाज के अलावा जितनी इबादतें हैं वो मखसूस हालात में मखसूस शराइत के साथ फर्ज हैं। आप रोज़े को लीजिए, रोज़ा सिर्फ रमज़ान का फ़र्ज है, जब रमज़ान का महीना आता है तो रोज़ों का रखना ज़रूरी होता है, फ़र्ज है। इसी तरह ज़कात को लीजिए, ज़कात हर शख्स पर फ़र्ज नहीं है, उसके लिए माल होना, इस्तेताअत होना, माल की फरावानी होना, साहिब निसाब होना, ऐसे शख्स पर ज़कात का निकालना वाजिब है। इसी तरह हज को लीजिए, हज भी हर शख्स पर फर्ज नहीं है, उसके लिए भी इस्तेताअत होना है, ताकत होना है, ऐसे शख्स पर हज फर्ज है। लेकिन नमाज एक ऐसा मामला है, आदमी चाहे गरीब हो के अमीर हो, फकीर हो के मोहताज हो, सेहतमंद हो के बीमार हो, हर हालत में नमाज पढ़ना ज़रूरी है। खड़े हो के नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़े, लेट के नहीं पढ़ सकता तो इशारे और किनायात से पढ़े, लेकिन हर हाल में नमाज पढ़ना ज़रूरी है। ये ऐसी अजीम शान इबादत है। ज़रा हम अपने गिरेबानों में मुँह डाल के सोचें, मुहासबा करें, उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत नमाज जैसे अहम इबादत को अदा करने के सिलसिले में बहुत ही गाफिल है। पाबंदी के साथ नमाज का एहतमाम नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि मस्जिदें नहीं हैं, माशाल्लाह मस्जिदें तो कसरत से बनती जा रही हैं, हर महल्ले में 2-3-4 मस्जिदें आपको मिलेंगी, और आबादी वाला महल्ला मुसलमान जिसमें अक्सरियत में रहते हैं वहाँ 4-4 मस्जिद हैं, और एक एक महल्ले में 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन हमारे मुसलमान भाई नमाज के वक्त कहाँ रहते हैं? मुअज्जिन साहब तो रोज़ाना 5 वक्त अज़ान के कलिमात में ये कहते हैं, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल्फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, 5 वक्ता ये अज़ान होती है, हमारे कानों में वो आवाज़ गूंजती है, हम उसको सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका है जो नमाजों का एहतमाम नहीं करता। मस्जिद में जमात होती है और हम हैं कि मस्जिद के सामने से गुजर जाते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। हजरत साहबा का कैसा मिजाज था, वो नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद चाहते थे, जो भी उनको काम करना होता फौरन अल्लाह के दरबार में आते, 2 रकात नमाज पढ़ते, मौला मेरे ये मसाइल हैं, मेरी ये परेशानियां हैं, मेरी ये तंगी है, आप मेरे लिए नुसरत का मामला फरमाइए, तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत साहबा की हिमायत फरमाते और उनकी मदद फरमाते। आज हमारा मामला ये है कि हम नमाजों का तो एहतमाम नहीं करते, लेकिन हर एक की जुबान पे एक ही रहता, मुल साहब दुआ करो, बहुत तंगी चल रही, मसले हल नहीं हो रहे, मुल साहब क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, मगर कुछ भी नहीं हो रहा, उन्होंने ये दे रहे, उन्होंने वो दे रहे, उन्होंने वो दे रहे, उन्होंने वो पढ़ो कर रहे, उन्होंने ये पढ़ो कर रहे, मगर कुछ भी नहीं हो रहा। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व तआला ने जो पढ़ने का तुझे हुक्म दिया था वो तू नहीं पढ़ रहा, उसके अलावा तू जितना भी पढ़ेगा तो उससे मसला हल होने वाला नहीं है।
कितने लोग हैं मेरे भाई अपने मसाइल को हल करने के लिए कहां कहां जा रहे हैं, तावीजों का सहारा लेते हैं और बड़े बड़े आमिलों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मसाइल हल नहीं होते। मसाइल को हल करने वाली अगर कोई जात है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात। जो आदमी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को गुजारता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक और आपकी सीरत के मुताबिक और आपकी लाई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को आरास्ता करता है, तो फिर देखिए अल्लाह की मदद भी उसके कैसे शामिल हाल होती। पहले हम अल्लाह के तो हो जाएं, हम अल्लाह के होना नहीं चाहते, हम अपने ताल्लुकात लोगों से करीब करना चाहते हैं, मालदारों से हम अपने ताल्लुकात को करीब करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक अल्लाह से कितना कमजोर पड़ गया मेरे भाई। अजा होती है, उसमें बुलाया जाता है कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, लेकिन हमारा दिल मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं होता, नमाज को आने के लिए तैयार नहीं होता, तो अल्लाह की मदद कैसे आएगी। एक उसूल याद रख लीजिए, जो जो कोई बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसके हो जाते हैं। मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसके हो जाते हैं। अल्लाह का होने का क्या मतलब है? जो अहकामात अल्लाह ने बंदे पे लागू फरमाए हैं, फर्ज फरमाए हैं, जब बंदा उस पर अमल करेगा, उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी को गुजारेगा, बसर करेगा, तो जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला भी उसके हो जाते हैं। बंदा जो चाहता है अल्लाह भी उसके मुताबिक फैसला फरमाते हैं। हजरत साहबा की जिंदगियां उठाइए, वो किल्लत में थे मेरे भाई, लेकिन हजारों पे गालिब आते थे। क्यों गालिब आते थे? कि उन्होंने दुनिया में आने के मकसद को समझा था कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में कहे के लिए भेजा है और करना क्या चाहिए, उस मकसद को मुस्तजर रखते हुए हजरत साहबा ने जिंदगी गुजारी। अगरचे के वो तादाद में कम थे लेकिन हजारों पे गालिब आते थे। नमाजों का ऐसा एहतमाम होता था हजरत साहबा के अंदर और हजरत सहाबियात के अंदर, उन वाकयात को सुनाया जाता है तो जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे उनके अंदर नमाज से मोहब्बत थी, नमाज से इश्क था। जब भी कोई काम होता, जो ही अजान सुनते फौरन अपने कारोबार को बंद कर देते और फौरन मस्जिद में आते और नमाज का अहतमाम करते। ये हजरत सहाबा की जिंदगियां। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है, एक मरतबा वो दो रकात की नीयत बांध के खड़ी हो गई, सारे लोग सोए हुए हैं और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा है रात के सन्नाटे में दो रकात की नीयत बांध के खड़ी हो गई और नमाज पढ़ने में उनको इतना मजा आने लगा, इतनी हलावत और चाशनी उनको नमाज के अंदर महसूस होने लगी कि इतना लंबा क़याम उनका हुआ, इतना लंबा सजदा नमाज की हालत में उनको हुआ कि दो रकात की नीयत बांध के खड़ी हो गई, सुबह के आसार नमूदार हो गए, तो उनको महसूस हुआ कि सुबह होने वाली है। फौरन अपनी नमाज मुकम्मल कर दी, उसके बाद अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह तेरी रात तो कितनी छोटी है, मैंने दो रकात की नीयत बांधी और तेरी रात खत्म हो गई। सिर्फ दो ही रकात की नीयत बांध के मैं नमाज पढ़ने लगी और तेरी रात खत्म हो गई। घंटों घंटों वो नमाज में मशगूल, इतना मजा उनको आने लगा। आज हमारा हाल यह है मेरे भाई, इमाम साहब अगर फजर की नमाज में 10 मिनट अगर किरात कर दिए, हंगामा हो जाता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। अरे क्या है मौल साहब को नहीं मालूम, मसला नहीं मालूम मौल साहब को, इतनी लंबी नमाज पढ़ाते, चौरस्तों पे आधा आधा घंटा ठहरते हैं, एक एक घंटा चौरस्तों पे ठहरते हैं, बाजारों में ठहरते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में 10 मिनट ठहरने के लिए हम तैयार नहीं। क्या हो गया हमारी उम्मत को? अगर मौल साहब जोहर की नमाज में आमतौर पे नमाज 6-7-8 मिनट में मुकम्मल होती है, अगर कोई इमाम साहब 10 मिनट पढ़ा दिए, 12 मिनट पढ़ा दिए, एक दूसरे को देखने लगते, क्या ही नहीं इमाम साहब ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह के बंदो क्या होगा आज हमारे को? वहां क्या था हजरत साहबा के अंदर? घंटों घंटों ठहर जाते, नमाज में उनको मजा आने लगता।
जब आदमी को किसी चीज से मोहब्बत पैदा हो जाती है, उनसियत पैदा हो जाती है, तो आदमी को वो काम करना उसके लिए आसान होता है और उस काम में उसको मजा आने लगता है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत ही अहम इबादत है। पंच वक्ता नमाजों का एहतमाम करना चाहिए और उसके वक्त पर नमाज को पढ़ना चाहिए। कजा नहीं करना, टाल मटोल नहीं करना, अभी बहुत वक्त है ना, बाद में पढ़ लूंगा। इंसान का नफ्स भी इंसान के साथ लगा हुआ है, शैतान भी लगा हुआ है। इंसान का नफ्स तो इंसान को यही कहता है, अरे बहुत टाइम पड़ा हुआ है जी, 3 बजे तक पढ़ सकते जोहर की नमाज, 3:30 तक पढ़ सकते, अब बीच क्या है, अभी नींद आ रही, मैं सो जाऊंगा, उठ के पढ़ लूंगा। सो जाता अल्लाह का बंदा, असर में उठता, जोहर की नमाज चली गई। अरे मेरे भाई, जब वक्त हो जाए, अजान हो जाए, फौरन मस्जिद पर आ जाए। कितने भी काम रहें दे, वो कामों को आप छोड़ दें, फौरन हैया अलस्सरा और हैया अलफला की आवाज हमारे कानों में गूंजे तो फौरन मस्जिद में आए और नमाज का एहतमाम करें। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अनु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त किया, पूछा अवसान खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू दर्दा फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश की कि मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, कुछ वसीयत फरमाइए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरे अबू दर्दा एक बात सुन ले, पहली नसीहत तो ये है कि अल्लाह तुशरिक बिल्लाही शैया, कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, मेरी पहली नसीहत। चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या तुझे जला दिया जाए, तब भी तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, यह पहली नसीहत। दूसरी नसीहत अल्लाह के नबी ने यह फरमाई कि जानबूझ के कभी नमाज को तर्क नहीं करना, नहीं छोड़ना। जो बंदा नमाज को छोड़ देता है तो अल्लाह का जिम्मा उससे उड़ जाता है। कितने मुसलमान भाई आए, कितनी नमाजों का हमसे एहतमाम हो रहा है। हर आदमी मुहासबा करे, मेरी उम्र का इतना हिस्सा गुजर चुका है, मैं कितने वक्त कितनी नमाजों का मैं एहतमाम किया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं मेरे भाई, जुम्मा को पढ़े तो फिर जुम्मा कुछ, बीजों की नमाज, बीच में जो नमाजें होती हैं वो नमाज में तो आते ही नहीं, जुम्मा को जुम्मा। हज़रत मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए, गालिबन जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, तो पूछे गए थे एक आदमी से, तो भाई क्या हुआ, अभी तुम यहीं से, जुमा का वक्त शुरू हो चुका है। तो वो साहब बोले गए थे, मौलाना नहीं, मैं ही आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत एहतमाम करता हूँ जुमा का, वो असल में ये है कि मैं जुमा को जुमा नमाज पढ़ता हूँ, बीचों में नमाज नहीं पढ़ता, और मैं इस बात से बहुत एहतमाम के साथ जाता हूँ जुमा की नमाज पढ़ने की। क्या सिर्फ जुमा की नमाज ही फर्ज है, वाजिब है? ये पंच वक्ता नमाजें उम्मत पे फर्ज नहीं है? कितने भाई मेरे भाई ऐसे हैं जो नमाजों का एहतमाम करते हैं। पढ़ने वाले तो इस कदर और इस कसरत के साथ, इस ज़ौक और शौक के साथ और इस मोहब्बत और हलावत के साथ नमाज पढ़े हैं कि अगर तकबीर तहरीमा भी उनकी फौत हो गई तो उनके आंखों से आंसू रवा होते थे। नमाज कजा करना तो दूर की बात है, तकबीर उला तकबीर तहरीमा भी अगर उनकी फौत हो जाती तो उनके आंखों से आंसू रवा हो जाते थे। आपने नाम सुना होगा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े पाए के आलिम गुजरे हैं। एक मरतबा दारुलूम देवबंद में दस्तारबंदी का जलसा हो रहा था, आप भी जलसे में मधु थे। जलसा होने के बाद असर की नमाज का वक्त करीब आया तो मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आ गए। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को वुजू करके आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई, जब तक तकबीर तहरीमा हो चुकी थी, तकबीर तहरीमा हो चुकी थी।
रकात नहीं हुई, तकबीर तहरीमा हो गई, आए नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू रवा हैं, बेचैन और बेकरार हैं, बड़े गमजदा हैं। हजरत का बहुत बड़ा हलका था शागिर्दों का कि देखे कि हजरत की आंखों से आंसू रवा हैं, बड़े बेचैन और बेकरार हैं, क्या बात है। हिम्मत करके बाद शागिर्द मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से पूछे कि हजरत क्या तबीयत में कुछ तकलीफ है, क्या कुछ फ़र्क आ गया है आपकी तबीयत में, क्या आप एकदम गमजदा नज़र आ रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू रवा हैं। तो उस मौके पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदो क्या कहूँ, क्या कहूँ तुमसे कि 22 साल के बाद मेरी तकबीर तहरीमा आज फौत हो गई है। 22 साल के बाद इस वास्ते मैं गमजदा, मेरे आंखों से आंसू रवा। खाली उनकी तकबीर उला फौत हुई तो ये हाल है, आज हमारी कितनी नमाजें फौत हो रही हैं, हमें एहसास भी है उसका। सबसे पहले किस चीज का हिसाब लिया जाएगा कयामत के दिन, नमाज का हिसाब लिया जाएगा। इन अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौम अल क़ियामा अस्सला, कयामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज का हिसाब लिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, एहतमाम करें, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम करें, अव्वल वक्त मस्जिद को आए और अपने गुनाहों को याद करें, नदामत के आंसू अल्लाह के दरबार में टपकाएं, फिर अपने मसाइल अल्लाह के दरबार में रखें, दुआओं का एहतमाम करें, तो भी देखिए अल्लाह की मदद कैसे आती है। ये जो नमाजें हैं ना, फजर जोहर असर मगरिब ईशा, ये नमाजें भी इंसान को मौत की याद दिलाती हैं। हम तो मौत का लफ्ज सुनते ही दिल में कब कभी तारी हो जाती, एक खौफ तारी होता। मौत का लफ्ज ऐसा लफ्ज है जब सुनाया जाए तो आदमी के ऊपर एक खौफ तारी होता, लेकिन जाना तो सबको है, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जाएगा, सबको ये दुनिया छोड़ के जाना है। और ये जो नमाजें हैं पंच वक्ता, ये नमाजें इंसान को मौत की याद दिलाती हैं। अरे बंदे तू मौत के करीब होता जा रहा है, नमाजों का एहतमाम कर ले। हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब नंबर अल्लाह मरकदहू फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नमाज के जो अवकात रखे हैं, इसमें बाज़ अवकात जो हैं काफ़ी लंबे लंबे हैं। फजर से लेकर जोहर तक का जो वक्त है काफ़ी लंबा है, जोहर से असर तक का वक्त ज़रा कम है, असर से मगरिब तक का और कम है, मगरिब से ईशा तक का और ज़रा कम है, इसमें हिकमत क्या है। मां ज़करिया साहब नबी अल्लाह मरकदहू फरमाते हैं, मैं भी बहुत गौर करा, मुझे कोई बात समझ में नहीं आई। जब मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल मसालिहुल अक़लिया पढ़ा तो उसमें हजरत ने नमाज के अवकात की जो हिकमतें बयान फरमाई हैं वो मुझे बहुत पसंद आई। उनमें से एक हिकमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला लतीफ़ अंदाज में इंसान को मौत की याद दिला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वजाहत करते हुए फरमाया, देखो फजर की नमाज ऐसी है कि गोया इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ। फजर की नमाज का वक्त आया तो यूं समझो कि इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद दो जमाने इंसान के काफ़ी लंबे होते हैं, एक बचपन का ज़माना होता है और एक जवानी का ज़माना होता है। बचपन का ज़माना भी 13-14 साल पे मुहित होता है और जवानी का ज़माना भी 40-45 साल पे मुहित होता है। तो फजर से लेकर जोहर तक का जो लंबा वक्त है इसमें दो जमानों की तरफ इशारा है। फजर की नमाज का वक्त आया तो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ, जोहर की नमाज का वक्त आया तो इस बात की तरफ वक्त ये इशारा कर रहा है, अल्लाह ने तुझे बचपन का जो जमाना अता फरमाया, जवानी का जो जमाना अता फरमाया, अब ये जवानी ढलना शुरू हो गई है। जोहर का वक्त कब रखा गया है? जब सूरज ढलना शुरू होता है दोपहर में, उस वक्त क्या जोहर का वक्त रखा गया है? तो इसमें इस तरह इशारा है, अब तेरी जवानी ढलना शुरू हो गई है,
तेरे चेहरे के बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, अब तो आखिरत की तैयारी कर ले, नमाज का एहतमाम कर ले। लेकिन इंसान के पास रोज़ाना जोहर का वक्त आता है, लेकिन कितना एहतमाम होता है नमाज से। असर की नमाज आई तो असर की नमाज का वक्त इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, अल्लाह ने तुझे बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का जो ज़माना था फरमाया था, अब वो ज़माना भी तेरा ख़त्म होने के करीब है। असर की नमाज कब रखी गई? जब सूरज जर्द पढ़ना शुरू होता है तो उस वक़्त असर की नमाज रखी गई है। तो इस बात की तरफ इशारा है, अब तू बूढ़ा हो चुका है, तेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अब बिल्कुल तू मरने के करीब है, अब तो नमाज का एहतमाम कर ले अल्लाह के बंदे। लेकिन आदमी उस वक़्त भी नमाज का एहतमाम नहीं करता। उसके बाद मगरिब की नमाज रखी गई, मगरिब की नमाज सूरज के गुरूब होने के बाद रखी गई है। तो इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि तेरी जवानी, तेरा बचपन, तेरा बुढ़ापा सब ख़त्म हो गया, अब तेरी ज़िंदगी का सूरज भी गुरूब हो गया है। मगरिब की जो नमाज है सूरज के गुरूब होने के बाद रखी गई है, तो मगरिब की नमाज का वक्त आया तो इस बात की तरफ ये वक्त इशारा कर रहा है, अब तेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया, तुम मर गया है। उसके बाद होता क्या है, मरने वाले के लोग महासिन को याद करते हैं, खूबियों को याद करते हैं, उन्होंने ऐसे थे, बहुत अच्छे अखलाक वाले थे, अल्लाह के रास्ते में खूब सदका करते थे, खैरात करते थे, इन्फाक करते थे, मस्जिदें बनाते थे और रिफाही खिदमात अंजाम दिया करते थे। लोग क्या है, महासिन को याद करते हैं, महासिन को याद करने का भी हुक्म किया गया, उज़्कुरु महासिन मौतकुम, तुम अपने मरने वाले के महासिन को याद करो। लेकिन कितने दिन याद करते हैं लोग, एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीने, उसके बाद भूल जाते हैं। तो मगरिब से इशा तक का जो वक्त है सिर्फ इतना ही वक्त है कि लोग थोड़े वक्त में मरने वाले के महासिन को याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, ये नमाज़ें इंसान को मौत की याद दिलाती हैं, रोज़ाना याद दिला रही हैं। और हम है कि मौत से गफलत बरते हुए हैं और मौत हमारे करीब आ रही है और हम हैं कि नमाज़ों का अहतमाम नहीं करते। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, नमाज़ों का अहतमाम करें, पाबंदी के साथ पढ़ें, और नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं उनको भी तजवीद पढ़ने का भी अहतमाम करें। लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सही माना में कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते, छोटी छोटी सूरतें भी उनको याद नहीं है, हर चीज़ को सीखने की फिक्र कर रहे नहीं कर रहे। मेरे भाई, असरी उलूम में महारत पैदा करने के लिए लाखों रुपये आज हम खर्च कर रहे हैं, हम अपनी नमाज को सही करने के लिए हमारे पास कुछ फिक्र भी है, कुछ ख्याल भी है। 50-50 साल का हिस्सा गुजर चुका है लेकिन सही माना में सूरह फातिहा पढ़ने भी नहीं आता। छोटी छोटी सूरतें, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक और सूरह नास, ये सूरतें भी तजवीद के साथ हम नहीं पढ़ सकते। जब जाएंगे मैदान महशर में पहुंचेंगे, अल्लाह पूछेंगे, अरे तू नमाज पढ़ा, तो बोलेगा कि नमाज पढ़ा, कैसे पढ़ा? अल्लाह, मैं सूरह फलक पढ़ा, सूरह नास पढ़ा और छोटी छोटी सूरतें पढ़ा। अरे अल्लाह के बंदे, तू ऐसी सूरतें पढ़ा, ना उसकी तजवीज सही थी, ना हुरूफ की अदायगी सही थी, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा? मेरे भाई, कुरान मजीद को तजवीज से पढ़ने का एहतमाम करो। हर आदमी पे इतना तो कम से कम जरूरी है, 30वां पारा जो होता है ना, अम्मा इतसालून, ये तो हिफ्ज कर लेना चाहिए। हाफिज नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं है, कम से कम इतना तो एहतमाम करो कि 30वां पारा ये तो पढ़ने का एहतमाम करो तजवीद के साथ। किसी मौल साहब के पास जाओ, जानो ए तलम्मुस तय करो और सीखने की फिक्र और कोशिश करो। ये भी नहीं हो सकता है तो कम से कम आखिरी दर्जे में सूरतुज़्ज़ुहा से वन्नास तक तो पढ़ने का एहतमाम करो, ये तो करो कम से कम आखिरी दर्जे में। नमाज में खड़े होंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? वही कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेते हैं, कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास, वो भी सही अंदाज से हम नहीं पढ़ते। और दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास हैं,
और अच्छी अच्छी चीज़ों में हम महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वो किताब हमें अता फरमाई और वह ऐसी किताब है इंसानों की सलाह व फलाह और इंसानों की कामयाबी और कामरानी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, हम उसका कितना एहतमाम करते हैं, उसको कितना पढ़ते हैं और कितने तजवीद के साथ पढ़ने का हमारे पास एहतमाम है। मेरे भाई, हर आदमी गौर व फिक्र करे, पढ़ने का एहतमाम करे। जिन हजरात को पढ़ना नहीं आता, वो हजरात ये नहीं सोचना मेरी उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, मैं जाके क्या बोलूँगा मौल साहब को, या मौल साहब को बोल ले सकते हैं? वहाँ अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह के पास क्या बोलेंगे, वहाँ कोई जवाब ही नहीं है। या मौल साहब को समझा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, मन्नत समादत कर सकते हैं, मौल साहब मुझे सिखा दो, मेरी ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा गुजर चुका है, अब मैं तजवीद के साथ कुरान पढ़ना चाहता हूँ, सिखा दो मेरे भाई। हम ये तो गुजारिश कर सकते हैं। मेरे भाई, हमारा ऐसा हाल हो गया है आज हमारी उम्मत का, किसी मस्जिद में अगर इमाम साहब किसी वजह से नहीं आ सके, मौजन साहब भी नहीं आ सके किसी वजह से, वक्त हो चुका है तो मुसल्ली जो रहते हैं 20-25 मुसल्ली शुरू वक्त में रहते हैं, कोई एक आदमी आगे बढ़ के नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। सब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की फिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? उनको भी मालूम है कि मैं सही अंदाज से कुरान नहीं पढ़ सकता, तजवीद के साथ मुझे पढ़ना नहीं आता। आज हम बड़े बड़े ओहदे लेने को तैयार हैं, मुझे मस्जिद का ये ओहदा होना, मुझे मस्जिद का ये ओहदा होना, मैं मस्जिद का ये बनूंगा, मैं मस्जिद का वो बनूंगा। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे कुरान सही पढ़ने भी आता है, तुझे नमाज के मसाइल भी तो मालूम है, किस बुनियाद पे तू मस्जिद का सदर बनेगा? किस बुनियाद पे तू मस्जिद का सेक्रेटरी बनेगा? किस बुनियाद पे तू मस्जिद का खादिम बनेगा? अरे पहले तो कुरान तो सही कर, तजवीज से पढ़ने का एहतमाम तो कर, नमाज के मसाइल तो मालूम कर। अगर इमाम साहब किसी वक्त नहीं आ सके, खुद आगे बढ़े और नमाज पढ़ाने का एहतमाम करे। कितने मसाजिद ऐसे हैं मेरे भाई, महबूब नगर ही नहीं है, उसके अलावा जितने भी तेलंगाना हो, आगरा हो, आज पूरी दुनिया का ये हाल है, तकरीबन हिंदुस्तान का, मेरे भाई आज उम्मत का ये हाल है, किसी वक्त कोई इमाम साहब नहीं आ सके, कोई आदमी आगे बढ़ के नमाज पढ़ाने के लिए तैयार? क्या अल्लाह हमसे नहीं पूछेंगे? मैंने तुझे अपनी किताब अदा फरमाई थी, तूने उसको कितना पढ़ा, उसके तकाजों पर कितना अमल करा और कितने मसाइल तुझे मालूम थे? क्या अल्लाह हमसे नहीं पूछेंगे? मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, बात अगरचे के तल्ख है, लेकिन संजीदगी से गौर व फिक्र करना है, हर आदमी को गौर व फिक्र करना है। हम हर चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उहदों को हासिल करना चाहते हैं और उसकी फिक्रमंद में उसकी फिक्र करते हैं और ये चाहते हैं कि उसको वो उहदा न मिले, उसको वो मनसब न मिले। मैं इस मनसब पे फाइज होऊंगा तो सोच लेना चाहिए कि मैं इस उहदे को हासिल करने का अहल हूं कि नहीं हूं, मैं उहदे को संभाल सकता हूं कि नहीं संभाल सकता हूं। लेकिन आज हमारा हाल ऐसा है मेरे भाई, जुबान खुलती है तो मुआज़िनों को उल्टा सीधा बोल देते हैं, इमामों को उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के आजाब से डरो, अल्लाह के आजाब से। किसको तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जिसके सीने में अल्लाह का कलाम है, अजीम शान दौलत जिसके सीने में है, अरे तुम उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हो? क्या जिंदगियों में इंकलाब आएगा? क्या अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी? इन उलमा के साथ इकराम से, मोहब्बत से पेश आओ। ये बेचारे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, उम्मत की इस्लाह की फिक्र लेके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, उम्मत के बारे में लोगों को ये तलकीन कर रहे हैं। भाई मेरे पास आओ, नमाज सीखो, मसाइल सीखो, तजवीज से कुरान पढ़ने का मिजाज बनाओ। ये उलमा तो आपसे कहते हैं, लेकिन उम्मत का एक बड़ा तबका ऐसा है मस्जिदों को आने को तैयार नहीं, अपनी नमाज सही करने को तैयार नहीं और मसाइल मालूम करने को तैयार नहीं, और फिर उहदों को हासिल करने की फिक्र और कोशिश में हम लगे हुए रहते। उससे कहीं ज्यादा यह है कि आदमी बित तजवीद
قراءت کے ساتھ نماز کے مسائل معلوم کرے اور کیا ہے نماز صحیح پڑھنے کا وہ اہتمام کرے. بہرحال وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے, تو اللہ جو باتیں اس موقع پہ آئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. ایسی بات نہیں کہ میں بول رہا ہوں تو میں اس پہ عمل کرنا نہیں, مجھے بھی عمل کرنا ہے, آپ حضرات کو بھی عمل کرنا ہے, سب کو عمل کرنا ہے. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.